रूस यूक्रेन की लड़ाई के दौरान रूस ने जुगाड़ लगाकर अपने सोवियत के जमाने के पुराने हथियारों से एक ऐसा खतरनाक बॉम्ब का निर्माण किया है जिसके घातक हमले को देखकर यूक्रेन की फौज में हाहाकार मचा हुआ है। अमेरिका और यूरोप की मीडिया तो चीखें निकाल निकाल कर ये कह रहा है कि अगर रूस के इस नए खतरनाक बॉम्ब के काट को नहीं खोजा गया तो बहुत जल्द ही रूस अपने इस नए बॉम्ब के हमले से यूक्रेन में हारी हुई बाजी को पलट सकता है। अब दोस्तों, रूस का वो कौन सा नया खुफिया हथियार है और उस हथियार से यूक्रेन की फौज में इतना खौफ क्यों है, जानने के लिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, बात है सोवियत यूनियन के जमाने की, जब सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच दुनिया का सुपर पावर बनने के लिए कोल्ड वॉर चल रहा था, जिस दौरान सोवियत यूनियन ने बहुत सारे बम और गोला बारूद का निर्माण किया था। लेकिन जब से सोवियत संघ टूटकर आज के रूस में बदल गया, तब से सोवियत के जमाने के बहुत सारे बम बारूद आज भी रूस के पास मौजूद हैं। अब दोस्तों, हुआ ये कि रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस को हथियारों की बहुत ज्यादा कमी पड़ गया था। असल में रूस के पास बहुत ज्यादा एडवांस किस्म के मिसाइल और हथियार अभी भी हैं, लेकिन वे सभी मिसाइल और गोला बारूद काफी ज्यादा महंगे हथियार हैं। अगर रूस उन हथियार और बमों को यूक्रेन की लड़ाई में जो पिछले 3 साल से चल रही है, अगर उन महंगे हथियारों को हर रोज इस्तेमाल करता तो रूस का आर्थिक कमर टूट जाता। ऐसे में दोस्तों, रूस ने बहुत जबरदस्त जुगाड़ लगाया। दरअसल सोवियत के जमाने के जो बमों का निर्माण किया गया था, रूस ने उन साधारण बमों के भीतर सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम लगा दिया, यानी उन बमों के भीतर एक ऐसा गाइड करने वाला सिस्टम लगा दिया जिस सिस्टम की मदद से रूस का वो बम सटीकता के साथ उसी लोकेशन पर जाकर हमला करेगा जिस लोकेशन को पहले से रूस ने उस बम के भीतर डाल दिया है। इससे पहले वे सभी बम फाइटर जेट से गिरने के बाद धरती की गुरुत्वाकर्षण की मदद से जमीन पर बहुत तेजी से गिरते थे, जिसके चलते उन बमों की सटीकता बहुत कम होती थी। लेकिन इन बमों में सैटेलाइट नेविगेशन लगने के बाद अब रूस पहले से इन बमों के भीतर ये इन्फॉर्मेशन फीड कर देता है कि इन बमों को यूक्रेन के किस लोकेशन पर जाकर कहां पर गिरना है। इसके अलावा दोस्तों, जहां इन बमों के भीतर सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम को लगाया गया, वहीं इन बमों के ऊपर पंखों को भी लगा दिया गया ताकि जब रूसी लड़ाकू विमान इन बमों को गिराए तो ये बम गिरने के बाद अपने पंखों को खोलकर आसमानों में कलाबाजियां करते हुए अपने टारगेट की ओर बढ़ सके। साधारण शब्दों में कहें तो जो सोवियत के जमाने के जो पुराने बम थे जिनकी सटीकता उतनी ज्यादा नहीं थी, अब उन्हीं बमों में रूस ने इंजीनियरिंग करके उन बमों की सटीकता इतनी ज्यादा बढ़ा दी कि जब से रूस ने इन बमों का इस्तेमाल यूक्रेन में शुरू किया है, तब से इन बमों के घातक हमलों से यूक्रेन की फौज को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। अब देखिए दोस्तों, जिन सोवियत बमों के ऊपर सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम और पंखों को लगाया गया है, उन बमों का वजन करीब 1500 किलो है। दोस्तों, रूस का ये भारी भरकम बम यूक्रेनी फौज के जिस बिल्डिंग हेडक्वार्टर या कमांड कंट्रोल पोस्ट पर गिर रहा है, वह बहुमंजिला हेडक्वार्टर या कई मंजिला बिल्डिंग भी कुछ ही सेकंड के बाद जमींदोज हो जा रहा है। अब देखिए दोस्तों, रूस के पास पहले से भी ऐसी मिसाइलें हैं जिनके एक हमले से यूक्रेन के बड़े बड़े हेडक्वार्टर या बहुमंजिला बिल्डिंग को एक झटके में ध्वस्त किया जा सकता है, लेकिन वे सभी मिसाइलें बहुत ज्यादा महंगी मिसाइलें हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यूक्रेन की लड़ाई में रूस अपना सबसे सस्ता जिस क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल करता था, उस क्रूज मिसाइल का दाम लगभग $10,00,000 से भी ज्यादा होता था। इसके अलावा रूस ने यूक्रेन के बड़े बड़े बिल्डिंग, हथियार डिपो जैसे बड़े बड़े इलाके को तबाह करने के लिए इस्कंदर मिसाइलों को बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया था। दोस्तों, उस एक इस्कंदर मिसाइल से हमला करने में रूस को उस समय लगभग $30,00,000 तक का खर्चा बैठता था। लेकिन अब रूस के पास जो सोवियत यूनियन के जमाने के पुराने बम थे, उनमें मात्र $10,000 लगाकर रूस ने उन बमों को इतना ज्यादा खतरनाक बना दिया है कि अब यही बम एक महंगी मिसाइल जैसा घातक हमला कर रहा है, जिसके चलते रूस को यूक्रेन की लड़ाई में कम खर्चों में अब ऐसी सफलता मिल रही है कि पश्चिमी देशों में इन रूस के नए बमों को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। जबकि दूसरी तरफ इस बम की सफलता को देखते हुए इस मई के महीने में रूस की एयरफोर्स यूक्रेन के भीतर हर दिन ऐसे 100 बमों से यूक्रेन की फौज पर हमला कर रही है। सेंटर फॉर यूरोपीय पॉलिसी एनालिसिस की अगर बात माने तो इस साल के फरवरी में रूसी मिलिट्री ने इन बमों का बेतहाशा इस्तेमाल करके पूर्वी यूक्रेन के एक शहर पर कब्जा कर लिया था, और इस समय यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर खार्किव के ऊपर कब्जा करने के लिए रूस की फौज आगे बढ़ रही है, जिस दौरान खार्किव शहर की डिफेंस लाइन को तोड़ने के लिए रूस की एयरफोर्स लगातार इन ग्लाइड बमों से यूक्रेन की फौज पर हमला कर रही है। अब दोस्तों, आपके मन में सवाल ये होगा कि जब यूक्रेन में इन बमों से रूस इतनी ज्यादा तबाही मचा रहा है, तो अमेरिका और यूरोप के देश आखिर कर क्या रहे हैं? क्या अमेरिका और यूरोप के देशों के पास रूस के इस नए विध्वंसक हथियार को रोकने का कोई उपाय नहीं है? तो देखिए दोस्तों, रूस के इस नए हथियार को रोकने का यही तरीका है कि जैसे ही रूस का कोई लड़ाकू विमान इन भारी भरकम ग्लाइड बमों को लेकर हमला करने के लिए आ रहा है, तभी उस ग्लाइड बम को गिरने से पहले ही रूस के उस लड़ाकू विमान को मार गिराया जाए। दोस्तों, यही कारण है कि पिछले कुछ महीनों से यूक्रेन के राष्ट्रपति अमेरिका से एडवांस क्वालिटी के एयर डिफेंस सिस्टम और अमेरिका के एडवांस लड़ाकू विमान F-16 की मांग कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका किसी भी हाल में अपना F-16 यूक्रेन को देना नहीं चाहता, लेकिन अपना पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को दे चुका है। लेकिन
पेट्रियोट एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करके रूस के उन लड़ाकू विमानों को मार गिराना बहुत ज्यादा मुश्किल है। वो कैसे, जरा आप इसको समझिए। इस समय रसिया की नज़र यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर है। अब दोस्तों ये खार्किव शहर एकदम यूक्रेन के बॉर्डर पर मौजूद है, जिसके चलते खार्किव के डिफेंस लाइन को तोड़ने के लिए रूस के फाइटर जेट्स यूक्रेन के आसमानों के भीतर बिना घुसे ही यूक्रेन के रेंज से बाहर आकर अपने भारी भरकम ग्लाइड बम से यूक्रेन की फौज पर हमला कर रहे हैं। ऐसे में रूस के उस ग्लाइड बम के हमले से यूक्रेन को अपना खार्किव शहर को अगर बचाना है तो यूक्रेन को अमेरिका और यूरोप से मिले एयर डिफेंस सिस्टम को खार्किव के पास यानी बॉर्डर के नजदीकी इलाकों में तैनात करना पड़ेगा, ताकि जैसे ही रूस के फाइटर जेट्स यूक्रेन पर हमला करने के लिए खार्किव शहर के नजदीक आए तब उन रूस के फाइटर जेट्स को मार गिराया जाए। लेकिन यहाँ पर समस्या ये है कि अगर अमेरिका से मिले एयर डिफेंस सिस्टम को यूक्रेन रूस जैसे शक्तिशाली देश के बॉर्डर के पास तैनात करता है तो वो अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम अपने आप ही रूस के हमले के जद में आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि बॉर्डर पर तैनात होने के चलते रूस उस एयर डिफेंस सिस्टम का लोकेशन का पता लगाकर आराम से अपने ड्रोन या मिसाइल का इस्तेमाल करके यूक्रेन के उस एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद कर देगा। ऐसे हालात में अगर यूक्रेन रूस के ग्लाइड बम के हमले से बचना चाहता है तो यूक्रेन को रूस के भीतर मौजूद उन एयरबेस पर हमला करना पड़ेगा जिन एयरबेस से रशियन फाइटर जेट्स इन ग्लाइड बम को लेकर उड़ान भरते हैं। लेकिन दोस्तों रूस के भीतर घुसकर रूस के एयरबेस पर हमला करना इतना आसान नहीं है, इसके लिए यूक्रेन के पास एडवांस क्वालिटी के फाइटर जेट होनी चाहिए। वैसे यूक्रेन लगातार अमेरिका से F-16 जैसे एडवांस फाइटर जेट की मांग तो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर अमेरिका यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट देना नहीं चाहता। असल में अमेरिका को डर इस बात का है कि अगर अमेरिका के हथियारों का इस्तेमाल करके यूक्रेन रूस के भीतर घुसकर अगर हमला कर देता है तो उसके जवाब में रूस अमेरिका और यूरोप पर जवाबी हमला भी कर सकता है, जिसके चलते अमेरिका को यूक्रेन की लड़ाई में शामिल होना पड़ सकता है। इसीलिए अमेरिका यूक्रेन के आसमानों को सुरक्षा करने के लिए पेट्रियोट एयर डिफेंस सिस्टम तो दे रहा है, लेकिन ऐसा कोई भी हथियार यूक्रेन को नहीं दे रहा है जिससे यूक्रेन रूस के भीतर घुसकर हमला कर सके। ऐसे में दोस्तों इस वीडियो का निष्कर्ष ये है कि पिछले 3 साल से चल रही लड़ाई के दौरान रूस अब अपनी गलतियों से सीखते हुए अब नए तरीके से यूक्रेन से युद्ध लड़ रहा है, जिसके चलते यूक्रेन की लड़ाई में रूस को ऐसी सफलता मिल रहा है जिसको देखकर यूक्रेन यूरोप और अमेरिका में बवाल मचा हुआ है। ऐसे में अब देखना यह है कि रूस अपने नए हथियार और नए रणनीति के साथ इस युद्ध में कितना सफल होता है।